नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्री राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके जो कि बीएसटीसी है और पीटीटी में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने हैं। आज दोस्त अपन बात करें अजमेर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये है दोस्तों भाग वन, और इसके बाद में अपन भाग अपलोड करेंगे सेकेंड। ओके दोस्तों, इस तरह अपन जितने कितने भी पार्ट होंगे उन सब पार्ट में अपन अजमेर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों, अजमेर की स्थापना कब हुई और किसने की। ओके दोस्तों, ए ऑप्शन है 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान, और बे ऑप्शन है 1114 ईस्वी में अजयपाल, और सी ऑप्शन है दोस्तों 1115 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, और डी ऑप्शन है 1116 ईस्वी में अजय सिंह। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा जल्दी बताइए। तो अजमेर की स्थापना कब हुई और किसने की, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी और अजयराज चौहान ने की, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। और कुछ लोग होते हैं जो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, अजयपाल। दोस्तों जिस नाम के पीछे पाल लगा होता है ना वो राजा टोंका होता है। ओके, अभी अजमेर की स्थापना कब हुई और किसने की, तो ए ऑप्शन 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने। ओके, और अजमेर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। अजमेर में चलो बाद में बताएंगे सेकंड भाग में, तब तक अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके दोस्तों चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, अजमेर का प्राचीन नाम बताइए। ए ऑप्शन पृथ्वीपुरा आमेर, बी ऑप्शन पृथ्वीपुर अजमेरू, और सी ऑप्शन बजरंगढ़ नारेली। ओके, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों जल्दी बताइए। तो दोस्तों अजमेर का प्राचीन नाम अभी प्रेजेंट टाइम में पहले था दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में तो अजमेर कहते हैं, और अजमेर का प्राचीन नाम है दोस्तों पृथ्वीपुर, और ये के अजमेरू। ओके दोस्तों, ये अजमेर के प्राचीन नाम थे। और दोस्तों अजमेर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अजमेर के कुछ उपनाम थे, जैसे एक तो उपनाम है ये पृथ्वीपुर और अजमेरू, और भी कुछ नाम थे दोस्तों। वो नाम थे ये कि भारत का मक्का मदीना किसे कहा जाता है, तो भारत का मक्का मदीना किसे कहा जाता है दोस्तों, अजमेर को। ओके, एक है दोस्तों राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, यानी केंद्र स्थित या केंद्रित स्थित, तो ये दोस्तों अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि अजमेर राजस्थान के सबसे बीच में है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय या केंद्रित स्थिति कहा जाता है। ओके दोस्तों, एक है दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो अजमेर को। एग्जाम में पूछ ले कि भाई राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अजमेर को। ओके दोस्तों, एक है दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, ये कहाँ है, तो ये भी दोस्तों अजमेर में, और इस नाम से अजमेर का उपनाम भी बना है। ओके दोस्तों, एक है दोस्तों राजस्थान का नाका किसे कहते हैं, अजमेर को। ओके दोस्तों, और भी कुछ है दोस्तों राजपूताने की कुंजी भी अजमेर को कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार के कुछ मोस्ट क्वेश्चन है, आप इनको मेरी आवाज़ सुन के नोट्स के रूप में कॉपी में उतार लें, या आपकी पीटीटी बीएसटीसी राजस्थान जीके इन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत यूजफुल ये वीडियो है दोस्तों आपके लिए। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके दोस्तों चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर का किला दौलत खाना या मैग्नीज का दुर्ग का निर्माण कब हुआ। तो ए ऑप्शन है दोस्तों 1580 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1570 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है 1590 में, और डी ऑप्शन है 1585 में। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों जल्दी बताइए। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का,
तो इनमें से दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों 1570 ईस्वी। ओके, अकबर का किला दौलत खाना या मैग्नीज का दुर्ग, इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1570 ईस्वी में। ओके, ये के दोस्तों सहेलियों का बाजार कहाँ स्थित है? सहेलियों का बाजार कहाँ स्थित है? और एक सहेलियों की बाड़ी वो दोस्तों उदयपुर में, वो सहेलियों का बाजार कहाँ स्थित है? जाहिर सी बात है अपन इस चैप्टर में अभी अजमेर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर तो अजमेर ही होगा। ओके दोस्तों, तो सहेलियों का बाजार कहाँ है तो आपको बताना है अजमेर में, और इसका निर्माण किसने करवाया तो इसका निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने किस जिले को मुख्यालय बनाया? ए ऑप्शन भरतपुर को, बी ऑप्शन जयपुर को, और सी ऑप्शन अजमेर को, और डी ऑप्शन किशनगढ़ को। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी अजमेर। ओके, गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने किस जिले को मुख्यालय बनाया? तो अजमेर को। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपको ये वीडियो दोस्तों। और मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ इनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में किसने फेंकवा दिया? पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में किसने फेंकवा दिया? तो दोस्तों ये के अकबर, ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहाँ, और डी ऑप्शन औरंगजेब। ये सभी क्या थे दोस्तों? राजस्थान अजमेर में, अजमेर में इन सबों ने क्या किया था? ये सभी अजमेर के मुगल शासक थे दोस्तों। ओके, सबसे पहले मुगल शासक या मुगल बादशाह बने दोस्तों अकबर, और अकबर के बाद में दोस्तों ये बने जहांगीर। ओके दोस्तों, तो अभी आप इसका आंसर बताइए। अभी आप इसका आंसर बताइए दोस्तों, पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में किसने फेंकवा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। ओके, और जहांगीर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जहांगीर दोस्तों अकबर के बाद मुगल बादशाह बने। ओके, और जहांगीर ने अजमेर में मुगल दरबार लगाया, और ये कब लगाया दोस्तों? ये लगाया दोस्तों 1613 ईस्वी से 1616 ईस्वी में। ओके, जहांगीर महल पुष्कर में भी स्थित है दोस्तों, इसका निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था। और एक दोस्तों और है, वो है चश्मा ए नूर का निर्माण किसने करवाया? तो वो भी जहांगीर ने करवाया। ओके दोस्तों, ये के दोस्तों जहांगीर की बेगम का क्या नाम था दोस्तों? नूरजहाँ। ओके, तो ये चश्मा ए नूर का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। और किस लिए कराया? अपनी रानी नूरजहाँ के लिए। ओके दोस्तों, ये के दोस्तों दौलत बाग उद्यान यानी सुभाष उद्यान ये अजमेर में स्थित है, और इसका भी निर्माण जहांगीर ने ही करवाया था। ओके दोस्तों, ये के दोस्तों जहांगीर ने अपना दरबार कहाँ लगाया था? तो वह अजमेर में लगाया था। ओके दोस्तों, ये के दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1615 ईस्वी में, जो कि ये कहाँ, सॉरी 5 फरवरी हाँ 1615 ईस्वी में। और ये मेवाड़ के युवराज था, उसका नाम था दोस्तों करण सिंह, जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ओके दोस्तों, ये और ये दोस्तों ये कि चलो वो भी दोस्तों सेकंड भाग में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी अपन जो भी ये क्वेश्चन है इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ये के दोस्तों सर टॉमस रो अजमेर कब आए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो अजमेर कब आए थे? आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, ए ऑप्शन है 22 दिसंबर 1615 ईस्वी, बी ऑप्शन है 22 नवंबर 1616, सी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1620, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो जल्दी बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों सर टॉमस रो अजमेर आए थे ए ऑप्शन यानी 22 दिसंबर 1615 ईस्वी में। ओके दोस्तों, और दोस्तों सर टॉमस रो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं।
दोस्तों 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। कौन हुए थे दोस्तों? सर टॉमस रो। ओके दोस्तों, एक है दोस्तों सर टॉमस रो की जहांगीर ने अकबर के लिए किले में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से ये सर टॉमस रो दोस्तों भारत आए थे, नहीं सॉरी अजमेर आए थे। ओके दोस्तों, और सर टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। और ये अनुमति किसने दी थी दोस्तों? ये जहांगीर ने दी थी। और ये कहाँ दी थी दोस्तों? अकबर के किले में। ओके चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अजमेर के दोहराई का युद्ध किस मुगल शासक ने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर के दोहराई का युद्ध किस मुगल शासक ने जीता? ए है दोस्तों औरंगजेब, बे दोस्तों शाहजहा, सी ऑप्शन, से ऑप्शन है दोस्तों जहांगीर, और दे ऑप्शन है अकबर। और ये दोहराए कहाँ था? सबसे पहले तो ये बात है कि दोहराए अजमेर के पास में ही है। और दोहराए का युद्ध किस मुगल शासक ने जीता? तो ये दोस्तों जीता था औरंगजेब ने। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों, ए ऑप्शन है घनेड़ा, बे ऑप्शन है पुष्कर, सी ऑप्शन है अजमेर, और दे ऑप्शन है घूगरा घाटी। इन सब को दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यानपूर्वक समझ लें। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों पुष्कर में। ओके पुष्कर की बात हो गई कि पुष्कर में क्या है कि राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर स्थित है। ओके एक है दोस्तों राजस्थान का, हाँ एक है दोस्तों ये जो गनहेड़ा, ए ऑप्शन में दिया हुआ ना गनहेड़ा, ये दोस्तों राजस्थान की पुष्प मंडी है। गनहेड़ा में क्या है दोस्तों? राजस्थान की पुष्प मंडी। ओके आपको पता चल गया कि पुष्कर में क्या है कि पुष्कर में है दोस्तों राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, और गनहेड़ा में क्या है दोस्तों? यह राजस्थान की पुष्प मंडी जो कि गनहेड़ा में स्थित है। और एक दोस्तों एक है दोस्तों अजमेर। ओके ये क्या है? अजमेर। तो इनमें क्या है दोस्तों? इसमें है दोस्तों राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल, ये अजमेर में। ओके और अजमेर के, सॉरी अजमेर में नहीं है, अजमेर के पास में घूगरा घाटी, वहाँ है ये राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घूगरा घाटी में, जो कि घूगरा घाटी अजमेर के बाजू में ही। ओके दोस्तों एक है दोस्तों अजमेर में क्या है? तो अजमेर में दोस्तों राजस्थान का सिस्मोग्राम सेंटर भी अजमेर में है, या अजमेर को कहा जाता, सॉरी राजस्थान का सिस्मोग्राम सेंटर भी कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। ओके ओके दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आज अपने डिस्कशन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विलोम देता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।